हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसी जनरेटर्स का। ठीक है, इसको हम रिव्यू करते हैं कि कैसे एसी जनरेटर्स काम करते हैं। और इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि लेट्स से मेरे पास ये प्लेन है, ये आपके पास कॉइल है, ये कॉइल PQRS है, ये वर्टिकली प्लेस है। तो और लेट्स से ये मेरे पास मैग्नेट है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब जनाबे आली, इसमें क्या होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, ये कॉइल है PQRS और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इस वक्त। तो अगर आप इसको देखेंगे कि इस वाली पोजीशन के अंदर, वर्टिकल पोजीशन के अंदर सारी जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है वो बेसिकली इसमें से पास हो जा रही है, राइट? ठीक है, तो प्लेन जो है इसमें जो है इस परपेंडिकुलर प्लेन, यानी PQRS प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सारी लाइनें इसमें से गुजर जा रही हैं। इसमें जो है इस कंडीशन के अंदर चेंज ऑफ फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो है वो ज़ीरो होगा, राइट? ठीक है, तो जब चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो इस कंडीशन में ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। जब चेंज ऑफ फ्लक्स ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है बेसिकली, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन ये चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब चेंज ऑफ फ्लक्स ही नहीं है लेकिन जब ये मूव कर रहा है, यानी मूव करके इस तरफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से नहीं गुजरेंगी। तो सबसे पहले तो लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ फोर्सेस विल नॉट पास थ्रू द प्लेन। ओके, नॉट पास थ्रू द प्लेन PQRS। अब जब ये इसमें से पास नहीं करेंगे, मगर चेंज ऑफ फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम हो गया था, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो गया इस पोजीशन में, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम मतलब, यानी ऊपर वाली जो वर्टिकल पोजीशन थी, जो इधर थी जहाँ से सारी लाइनें इसमें से गुजर रही थी, इस वक्त चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो था, ये काटना शुरू किया, काटना शुरू किया और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को काट के वो पैरेलल हो गया, तो चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। जब चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इस इंस्टेंट में ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, राइट? तो ईएमएफ इंड्यूस जो है हॉरिजॉन्टल पोजिशन में मैक्स होता है, राइट? ये कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एसी जनरेटर्स का। तो अब हम एसी जनरेटर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जनाब अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स से ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है और ये आपके पास एक साउथ पोल का है, और बेसिकली यूं करके ये मैग्नेट, बार मैग्नेट जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास एक कॉइल आपने बनाई है जो कि इस तरीके से कॉइल है। ठीक है, और ये कॉइल आपके पास आ रही है और ये आपके पास एक रिंग है और एक ये दूसरी रिंग है और ये कार्बन ब्रशेस है, राइट? तो ये हो गया PQR और S, और ये आपके पास लेट्स से A कह दें और इसको B कह दें और इसको X कह दें, इसको Y कह दें। ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं। जब हम इसके सर्किट को क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोज कर करके और फिर जब हम इसको घुमाते हैं, यानी यहाँ पे घुमाते हैं, तो हम सेंस करते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है,
और ये तो हमें पता है क्योंकि जब ये मैग्नेटिक, जब कोई कंडक्टर को हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब हम इसको स्टडी करते हैं और इसके इंस्टेंसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेट्स से मैं ग्राफ बनाता हूँ, राइट। इसको एक्सप्लेन करना है, बल्कि इनफैक्ट इसको इस तरीके से नहीं, सॉरी, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से इसमें ये आपके पास 90 डिग्रीज है, ये 180 डिग्रीज है, और ये 270 डिग्रीज है, और ये 360 डिग्रीज है। लेट्स से इसको हम 1/4 ऑफ अ साइकिल कहते हैं, हाफ साइकिल कहते हैं, 3/4 ऑफ अ साइकिल कहते हैं, और 1 कंप्लीट साइकिल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी। हम घुमाएंगे और उसको, अब जैसा कि मैंने इस जगह पे एक्सप्लेन किया था, इस जगह पे कि इस पोजीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, जीरो है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, जीरो है, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके चल रहे, तो इंड्यूस ईएमएफ इस जगह पे क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। और ये आपके पास पी क्यू आर एस, लाइक लेट्स से पी क्यू आर एस ऊपर की तरफ है, पी क्यू एंड देन आर एस, और पी के साथ कौन सी जुड़ी हुई है, बी, और बी जुड़ा हुआ है इस वक्त टर्मिनल 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 वाई के साथ, और ये, और ये टर्मिनल एक्स के साथ, राइट, टर्मिनल एक्स के साथ, और ये एक्सटर्नल। तो इस वक्त जो है ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो जीरो है, ये हमने आपको पहले बताया था। तो इस वक्त ईएमएफ हो जाएगा जीरो। अब ये 1/4 साइकिल पे क्या होगा कि आपके पास ये इंस्टेंस है कि ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, रोटेट करें इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, ये हो गया पी क्यू आर एंड एस, और यहाँ पे आपके पास ये है बी, और ये है ए, और ये आपके पास है वाई, और ये हो गया एक्स, राइट, नीचे आ गया। तो इस सिचुएशन में आप अगर आप देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ईएमएफ जो है वो ये हो गया पी क्यू आर और एस। अब हम नॉर्थ पोल यहाँ पर है और ये आपके पास हो गया साउथ पोल, ये मैग्नेटिक लाइन हो, तो फील्ड आपके पास बेसिकली यहाँ पर है फील्ड, और मोशन आपका नीचे की तरफ है, यानी आपने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया था, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। तो आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो कि जनरेटर रूल कहलाता है, राइट हैंड रूल जिसको हम जनरेटर रूल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का ही, फ्लेमिंग्स का वो लेफ्ट हैंड रूल वो मोटर रूल कहलाता है, जो हम स्प्लिट जहाँ पे हमने स्प्लिट और कम्यूटेटर्स को स्टडी किया था, राइट, मोटर रूल, ठीक है। अब जनाब ये राइट हैंड में आपने ये फील्ड है, ये आपके पास मोशन है नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप अपनी हैंड को प्लेस करें, ये फील्ड हो गया, ये थंब जो है मोशन, तो ये आपका बाहर की तरफ इस तरीके से आपका करंट आएगा, राइट। जब इस तरीके से करंट आएगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप रखें तो ये करंट इस तरीके से बाहर आया, ये करंट है यहाँ पे, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपका ये जो टर्मिनल है ये प्लस हो जाता है, ठीक है, ए, और अब आप ये देखें कि एक्स की वैल्यू इधर प्लस होगी
और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से ये निकल रहा है और बाहर के सर्किट को जा रहे हैं। क्लियर है? अब जनाब अली, अब ये 180 डिग्रीज, अब फिर ये वापस से अपने वर्टिकल पोजीशन पे आएगा और वर्टिकल पोजीशन में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो है ज़ीरो है। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन क्या है कि ये पी क्यू जो है वो नीचे की तरफ है और आर एस जो है ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से अगर आप स्प्लिट रिंग्स को देखेंगे, स्प्लिट रिंग्स इनके चेंज नहीं हो रहे हैं। पी क्यू के साथ जो है वो बी है, यहाँ पे भी बी था, एस आर आर एस के साथ ए है, ए है, और जो आपका टर्मिनल है तो वो अब आर एस के साथ, आर एस के साथ टर्मिनल 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 इस इंस्टेंस में अब आपके पास जीरो। अब आप जब नेक्स्ट, फिर आप जब ये इस तरफ आएगा तो अब क्या हो जाएगा कि आर एस जो है वो आपका इस तरफ आ गया है, पी क्यू आर एन एस। अब ये देखना है कि इसमें अब क्या पॉसिबिलिटी रहती है आपके पास। ठीक है, पी क्यू के साथ कौन सा कॉम्यूटेट स्प्लिट रिंग्स स्लिप रिंग्स लगे हुए थे पी क्यू के साथ? इनिशियली हमारे पास पी क्यू के साथ बी था, तो इधर भी बी है, और आर एस के साथ था ए, आर एस के साथ ए है, और इस जगह पे आपके पास, अब देखिए पी क्यू के साथ बी था और बी के साथ हमेशा वाई था, राइट? बी के साथ वाई था और ए के साथ हमेशा एक्स था, राइट? क्योंकि ये घूम रहे और ये उसी ब्रशेस, ये जो स्लिप रिंग्स हैं उसी ब्रशेस को टच करेंगे, पेर वो वही रहेगा, यानी बी का वाई के साथ था, एक्स का ए के साथ था, बी का वाई के साथ था, एक्स का ए के साथ, बी वाई एक्स और ए, बी वाई एक्स और ए। अब इस ये बताने का मकसद क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि है क्या। अब ये वाला केस जब हम स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला केस, इसको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, फोर्थ को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फोर्थ में ये पी क्यू है जनाब, और मोशन जो है अब पी क्यू में ऊपर की तरफ होगा, ये मोशन है, ठीक है, और ये आपके पास फील्ड है। अब देखना ये है कि करंट किस तरीके से, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल करें, फील्ड मोशन और करंट, करंट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, करंट जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट अंदर की तरफ जाने की वजह से ये जो साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट? डेफिनेटली। तो पी क्यू के, अब हम यहाँ पे इसका ये करंट का डायरेक्शन बना रहे और ये, तो ये वाली साइड क्या हो गई, पॉजिटिव, इसने इसको पॉजिटिव कर दिया और इसने इसको नेगेटिव कर दिया। तो सबसे पहले अब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी ये है कि ए और एक्स का पेयर, बी और वाई का पेयर, पहले ए और एक्स का पेयर क्या था, पॉजिटिव था, अब ए और एक्स का पेयर क्या हो गया, नेगेटिव, बी और वाई का पेयर क्या है, अब पॉजिटिव, बी और वाई का पेयर क्या था, नेगेटिव। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले जो है करंट जो है बाहर वाले सर्किट में देखिए, तो करंट या पोलैरिटी रिवर्स हो गई, अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, अब यानी यानी मिसाल के तौर पे देखिए ये, और फिर ये आपके पास है, पहले ये पॉजिटिव,
ठीक है, पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और जो जब दूसरा साइकिल होगा तो ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्लियर है बात? अब आप ये देखें, इस तरीके इस तरफ से देखें, एक्स और वाई देखें, एक्स पहले क्या था, एक्स पॉजिटिव था, अब एक्स नेगेटिव बन गया। वाई पहले नेगेटिव था, वाई अब पॉजिटिव बन गया, राइट? तो टर्मिनल्स रिवर्स हो गए एक दफ़ा डायरेक्शन, इसीलिए ये हमारे पास एक दफ़ा जो है लाइक लेट्स से एक दफ़ा करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव यूं फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दूसरे साइकिल के अंदर वो यूं फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्योंकि पहले देखे पी क्यू में करंट, ठीक है, और पी की वजह से जो कम्यूटेटर जो स्लिप रिंग थी पी क्यू आर और एस, राइट? पहले पी के साथ इनिशियली हमारे पास क्या लगा हुआ था, पी में से पी के साथ बी था और वाई था, राइट? और एस के साथ जी एक्स था और ए था। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पी के साथ पी क्यू के साथ बी और वाई था। पहले पी क्यू में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन जो सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि जब आप पी क्यू उस तरफ चला गया, लेकिन क्या है कि इसका अटैचमेंट इसके साथ नहीं, ये इस तरीके से रिंग टाइप होते, ठीक है, भले ये घूम रहे लेकिन ये इसके साथ जो है ये और ब्रश का कांटेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये घूमेगा तो ये भी इसके साथ घूम रहा है, ये भले वर्टिकल हो जाए तो ये इसके साथ कांटेक्ट नहीं, जब ये इस तरफ आ जाएगा तब भी ये इसी के साथ ही कांटेक्ट रहेगा, ये इसी के साथ घूमता रहेगा, यानी इन दोनों का कांटेक्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि पी क्यू का प्लेस चेंज होने की वजह से एक दफ़ा पी क्यू में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसी तरीके से पी क्यू में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पी क्यू आर एंड एस, तो ये आपके पास हो गया नेगेटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। होप सो ये बात आपको क्लियर हुई है। ये आपके पास देख रहे हैं कि टर्मिनल जो है उनका ख्याल रखते हैं, और बस वंस अगेन ये आ गया, देखें तो फिर इसमें क्या है, अब देखें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया इस जगह पे, फिर ये नीचे आया और ज़ीरो वैल्यू पे हो गया, फिर ये आया नीचे और नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर ये जब वापस से इस तरीके से आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन हो जाएगी इसकी, राइट? ये अब आर ओ एस आर एस आर के साथ क्यू और पी क्यू आर एस, अब वापस से ये वही वाली सिचुएशन आ गई जो इनिशियल थी, इस वजह से ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ, राइट? ये हमारे पास हो गया एसी जनरेटर का टॉपिक कंप्लीट। और एज द लूप कंटिन्यूज टू टर्न डाउन दिस चेंज बैक टू जीरो,
होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हम ब्रीफली इसको डिस्कस